ये बाउल है जिसमें हम बिटुमिनस मिक्स यानी एक्सट्रैक्शन टेस्ट कर रहे हैं। ये ओवन से मिक्स लिया जा रहा है। मिक्स लेके जो है इसका बिटुमिनस का जो बीसी है ग्रेड सेकंड के लिए उसका एक्सट्रैक्शन टेस्ट है। टेस्ट पूरा समझने के लिए आखिरी तक बने रहें, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। ये सैंपल है जिसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। इसको बिटवीन कंटेंट परसेंटेज भी बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ बिटुमिनस मिक्स बीसी के लिए, डीबीएम के लिए। प्रोसीजर सेम ही होता है, बस उसका बिटवीन कंटेंट परसेंटेज चेंज हो जाता है। अच्छे से मिक्स करके लेना है, दोनों का कोर्सर और फाइनर दोनों ठीक से मिक्स होना चाहिए। अगर आप फाइनर ज़्यादा ले लेंगे तो भी जो रिज़ल्ट है वो विटामिन कंटेंट ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए कोर्सर और फाइनर का अच्छा कॉम्बिनेशन लेना है। इसमें इसका जो वेट है वो 1250 के आसपास या 1200 ग्राम के आसपास लेना रहता है। ये देखिए 1250 ग्राम लिया है वेट। ये फिल्टर पेपर है, टेस्ट से पहले इसका वेट ले लिया, 4.07 ग्राम आया है। इसको सब नोट डाउन करते जा रहे हैं, आखिरी में इसका जो कैलकुलेशन है वो भी बताएंगे, इसलिए आप आखिरी तक वीडियो देखिएगा तो एक बार में ही सीख जाएंगे, ज़्यादा बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा मशीन है जिसको एक्सट्रैक्टर बोलते हैं, बिटुमिन एक्सट्रैक्टर। यहाँ से इसको सप्लाई दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल, और एक तरफ में एक छोटा सा इसका फाइल्स मटेरियल निकलेगा उसके लिए रखा हुआ है। ये बेंजीन है जिससे कि इसको वॉश करना है बिटुमिनस मिक्स को। अगर बेंजीन नहीं है तो आप पेट्रोल से भी इसका जो है वॉश कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बिटुमिनस मिक्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर जब कम हो जाए तभी उसमें डालिएगा, कई बार आग लगने का भी चांसेस रहता है, तो उसका सेफ्टी का आपका पूरा ध्यान रखना है। स्पैचुला से अच्छे से इसको थोड़ा सा इसको घुमा लेना है ताकि जो है ये अच्छे से ये हो जाए, और ऊपर से फिल्टर पेपर लगा के इसको कस दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप मेरे पहले बार वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत लोगों को पता नहीं होती हैं, और मैं जॉब के साथ साथ ये वीडियोस भी बनाता रहता हूँ ताकि लोगों को जिनको पता नहीं है उनको जानकारी हो कि कैसे इंजीनियरिंग के बाद में जो टेस्टिंग वगैरह होते हैं फील्ड पर वो कैसे होते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज तो बहुत सारी होती है, प्रैक्टिकली नॉलेज जो है होती है, और उसमें भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसलिए देखना ज़रूरी होता है। ये इसका स्पीड है, वो धीरे धीरे बढ़ाना है ताकि अंदर जो वो बाउल है वो रोटेट करेगा, उससे बेंजीन के साथ में जो मिक्स है वो वॉश होके दूसरी साइड में निकल रहा है, जो इकट्टिया टाइप की रखी हुई है उसमें निकल रहा है। इसलिए ये फिर स्पीड जो है इसकी कम कर देनी है। ज़्यादातर लोग आते हैं वीडियो पे थोड़ा सा देख के फिर वो स्किप करके चले जाते हैं। एक बार ही भी पूरा वीडियो देखने से क्या है ना, पूरा नॉलेज हो जाता है, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लोग हैं इतना ज़्यादा जल्दबाजी में है कि वो थोड़ा सा देखेंगे और फिर स्किप कर देंगे। इसको ओपन ये किया जा रहा है,
और इसको देखेंगे कि अगर ये ठीक से वॉश नहीं हुआ है तो एक बार और इसमें बेंजीन डाल के वॉश कर सकते हैं, या पेट्रोल जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और ये फिल्टर पेपर को भी ठीक से संभाल के रखना है, क्योंकि इसका भी वेट लेना पड़ेगा वापस से। ये इसको ठीक से, ताकि इसका ऊपर से कोई एग्रीगेट जो है वो बाहर नहीं निकल जाए, क्योंकि इसमें एक भी पत्थर अगर निकला तो उसका टेस्ट का जो है प्रोसीजर वो सही नहीं रहेगा, डिफरेंस आ जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत केयरफुली करना है। और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप टेस्ट के बारे में पूछते हैं। लेकिन मेरे पास जितना समय होता है मैं कोशिश करता हूँ कि वो उन सब टेस्टों पे वीडियो बनाऊँ, पर जिस जो वीडियो नहीं बन पा रहे हैं वो मैं मेरे माइंड में है, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं उन सब पे वीडियो बनाऊँगा। मैं बहुत सारे लोगों ने सीवियर प्रोसीजर पे भी, सीवियर टेस्ट कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर पे किया हुआ है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। ये वापस से दोबारा वॉश करने के लिए इसमें बेंजीन डाल दिया गया है, और वापस से फिल्टर पेपर लगा के इसको कस दिया जाएगा। ये देखिए, ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि इसको ठीक से वॉश हो सके। हालांकि फर्स्ट टाइम में काफ़ी 70% तक पूरा वॉश हो गया है, अभी और कुछ बचा है तो सेकंड टाइम में वॉश हो जाएगा। बहुत ही केयरफुल करना रहता है इन सब टेस्टों को, क्योंकि ये जो है बेंजीन है और उसका जो है किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे, आपको उसका भी ध्यान रखना है। ये इसको बंद करके और वापस से धीरे स्लो स्पीड से उसको फास्ट करना है। जैसे ही नली से आना बंद हो जाता है तो फिर आप उसका स्पीड कम करके और स्टॉप का बटन उसमें दिया हुआ दबा के वापस से इसको ओपन कर लेंगे। फिल्टर पेपर निकाल रहे हैं और इसको रख लिया जाएगा थोड़ा, फिल्टर पेपर जो है थोड़ा हल्का ड्राई करने के बाद में ही वेट लिया जाएगा। और अब ये जो बाउल है उसको बाहर निकाला जाएगा और इसको ड्राई कर सकते हैं, आप ओवन में भी रख सकते हैं 10-15-20 मिनट के लिए ड्राई हो जाए, नहीं तो इसको अगर जल्दी आपको टेस्ट देखना है तो इसको जला लिया जाता है। और जलाने के बाद में इसका वेट थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब तो फिर इसका वेट ले लिया जाएगा। ये इसको जलाया जा रहा है,
दोस्तों YouTube एक ऐसा माध्यम है ना कि जो भी आपको सीखना है वो सब कुछ आपको अच्छे से यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए आपको लर्निंग करते रहना चाहिए। जिस भी सेक्टर से आप हैं वही एक अच्छी चीज़ है, इसलिए जो वीडियो होते हैं ढंग के उनको स्किप करके नहीं, उनका पूरा प्रोसीजर देखना है कि कब क्या बोलने वाले हैं। आप स्किप कर देंगे तो फिर वो समझ में नहीं आता है, वो फिर हमेशा के लिए छूट जाता है और आपका नॉलेज भी अधूरा रह जाता है। ये हमारा ड्राई हो चुका है, अब इसका हम वेट करेंगे। ये ट्रे है, इसको टेयर करके जो भी हमारा मिक्स का है, ड्राई मिक्स आया है, वो वेट लिया जाएगा। बाउल को ब्रश से और स्पैचुला की मदद से आप उसको ठीक से साफ करके वेट लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चिपका हुआ रहता है, वो भी सब आ जाए। ये हमारा जो है वेट आ चुका है 1180 ग्राम्स। ये भी हमें नोट डाउन कर लिया है, जो कि कैलकुलेशन में आपको पता चलेगा कैसे कैलकुलेशन होती है। विटामिन कंटेंट परसेंट निकालने का ये बहुत मैंने इजी तरीके से बताया है आपको, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है विटामिनियस, जहाँ फ्लेक्सिबल मोड में जो रोड होते हैं उनके लिए। ये फिल्टर पेपर वेट आया है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी आफ्टर टेस्ट हमारा कितना आया है 4.23। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सट्रैक्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये हमारा पीसी सेकेंड ग्रेड है, ये यहाँ पे डेट सैम्पलिंग और टेस्टिंग डेट है, सैम्पल वन है। ये सारा आप फॉर्मेट फिलअप कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बाइंडर कंटेंट टेस्ट, यानी कि हम जो है बिटवीन परसेंटेज चेक करते हैं कितना कंटेंट है हमारे मिक्स में। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूँ, देखिए अब हमारा वेट कितना आया था स्टार्टिंग में, जो मैंने दिखाया था सैम्पल के टाइम पे 1250 ग्राम्स। इसके बाद में एक्सट्रैक्शन के बाद कितना वेट आया था आफ्टर एक्सट्रैक्शन 1180, ठीक है। ये दो वेट के बाद में हमने फिल्टर पेपर का वेट किया था बिफोर टेस्टिंग 4.07, और आफ्टर एक्सट्रैक्शन कितना आया 4.23, ठीक है। इतना वेट मिलने के बाद में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये यहाँ पे जो आया है 5.59 कैसे आया। ये नीचे मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। तो सबसे पहले तो जो हमारा 1250 है उसमें से 1180 माइनस कर दिया तो 70 ग्राम आ गया ये वेट, ठीक है। इसको नहीं लिखना है क्योंकि पहले डिफरेंस निकाल लेना है। अब 70 ग्राम से 0.16 ग्राम माइनस करना है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये जो है हमारा फिल्टर पेपर का इंक्रीज वेट है। ये यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, इसको माइनस कर लिया इस फिल्टर पेपर वेट से आफ्टर एक्सट्रैक्शन, तो 0.16 ग्राम आया है, ठीक है। इसको लिख लेना है। इसके बाद में इसको माइनस किया 70 ग्राम से तो हमारा ये आ गया 0.84 ग्राम्स। इसको यहाँ पे लिखना है ये वेट ऑफ बाइंडर इतना, यानी कि माइनस करने के बाद में बचा। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सा
जो 69.84 डिवाइड बाई जो हमारा टोटल हमने वेट लिया था इनटू 100, तो हमारा ये बिटवीन कंटेंट परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि 5.59। इस तरीके से आप एक्सट्रैक्शन का कैलकुलेशन करना सीख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरे सारे यहाँ पे जो हमने वेट ऑफ मिक्स, इनिशियल वेट ऑफ फिल्टर पेपर, वेट ऑफ एग्रीगेट आफ्टर एक्सट्रैक्शन, वेट ऑफ फिल्टर पेपर आफ्टर एक्सट्रैक्शन विथ फाइंस मटेरियल, ठीक है, इंक्रीज वेट 0.16 ग्राम है, ये कैलकुलेशन के बाद आया है, और ये फिर बाइंडर कंटेंट परसेंटेज आ गया है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करना सीख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस तरीके से सीख सकते हैं। माता पिता की सेवा करें, खुश रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।